कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये पप्पू यादव का पूर्णिया युद्ध है। इंडिया गठबंधन में सीटों के ऐलान से पहले पप्पू यादव अपने राजनीतिक गुरु लालू यादव से मिले थे, उनका आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन राजनीति में अपनी अलग स्टाइल के लिए मशहूर लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया। जी हाँ, कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा और इसकी वजह है कांग्रेस में ताजा ताजा शामिल हुए पप्पू यादव। लेकिन बतौर महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के नाम के ऐलान के बाद भी पप्पू यादव खामोश नहीं बैठे और एक नया दावा ठोक दिया है कि वो लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही, और 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से वो नामांकन भी करेंगे। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। दावा ये भी है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन करेंगे। पप्पू यादव ने ये भी दलील दी कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो नहीं बल्कि पूर्णिया की जनता भी ये चाहती है कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़े, और ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव पिछले 1 साल से पूर्णिया में काम कर रहे हैं और यहाँ के एक एक परिवार से मिल चुके हैं और यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। पप्पू यादव ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था और अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया था। यही वजह है कि बीमा भारती को टिकट मिलने के बाद भी लगातार पप्पू यादव ये दावा कर रहे थे कि उन्हें कांग्रेस पर भरोसा है। पप्पू यादव ने कहा था कि मैंने अंतिम फैसला कांग्रेस की लीडरशिप पर छोड़ा है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, ना कि किसी व्यक्ति से। कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5ों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव। वहीं पूर्णिया से आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पूर्णिया से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती ने यह भी कहा कि पप्पू यादव उनसे बड़े हैं, उन्हें महागठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। सभी दलों ने मिलकर सीट शेयरिंग कर उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है, इसका पप्पू यादव को भी सम्मान करना चाहिए। मुझ पर विश्वास जताने का काम किया है और हमने तय किया है कि यह झंडा जिस तरह से हमको विश्वास दिलाने का काम किया, हमको टिकट देने का काम किया और इस झंडा को मजबूत करने का काम करेंगे और पूर्णिया से एकदम मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नामांकन भी 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद से ही पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखने लगा, लेकिन पप्पू यादव लगातार मैदान में डटे रहे। आरजेडी ने पप्पू के फैसले को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच आपस में फाइट होने की आशंका के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस की चुटकी ली। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो है वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि हमारे मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। किस पे तरस खाए भारतीय जनता पार्टी, किस पे तरस खाए, पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए हैं और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए
पागल हुए जा रहे हैं, दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। महागठबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी भी बेबस दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिन पेंदी का लोटा बताया। देखिए कांग्रेस थका हारा लाचार बेबसी उनकी दिखाई पड़ रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए विवश कर दी और वह पार्टी बेबसी के साथ समझौता कर ले। जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया उसके बाद सीट शेयरिंग और अब घोषणा कर रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था साफ दिखाई पड़ती है। उनका विषय है, पप्पू जी का विषय है। पप्पू जी ऐसे भी बिना पेंदी के लोटा है और उनका क्या मामला तेजस्वी से हु जाने उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दोनों एक ही तरह के हैं, जैसा पप्पू जी है वैसा तेजस्वी जी है, जैसा तेजस्वी है वैसा पप्पू जी है। अब समझिए कि अगर पप्पू यादव आरजेडी के लिए पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। जबकि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार उतारा है, उधर इस सीट पर विपक्ष का मुकाबला एनडीए के जेडीयू से प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से है। इस सीट पर संतोष कुशवाहा ने 2019 में जीत हासिल की थी, उन्हें 54.85% वोट मिले थे। जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, उन्हें 32.02% वोट मिले थे। अब जब पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती आमने सामने आ जाएंगे तो इसका सीधा फायदा एनडीए प्रत्याशी को हो सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि 29 मार्च को बिहार में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ था वो क्या था। बंटवारे में सबसे ज्यादा सीटें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के हिस्से आई। 40 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें लालू की पार्टी को मिली, जिसमें औरंगाबाद, बक्सर, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सीवान, शिवहर, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज शामिल है। वहीं 9 सीटें कांग्रेस को मिली, जिनमें किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज सीटें हैं। जबकि बाकी की 5 सीटें लेफ्ट को मिली हैं, जिनमें आरा, काराकाट, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया हैं। बिहार में इंडिया अलायंस के बैनर तले विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए किसी तरह के किंतु परंतु से बचने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के विलय से पहले लालू यादव से आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन लंबे समय तक साथ में राजनीति करने के बावजूद भी पप्पू यादव लालू यादव के राजनीतिक स्टाइल को नहीं समझ पाए और लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया। और आरजेडी ने जेडीयू से इस्तीफा देकर आई रुपौली की विधायक बीमा भारती को चुपके से पूर्णिया में उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती की आरजेडी के लिए नजदीकियों की पहली झलक 2020 में मिली थी, जब उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने का खुला विरोध किया था। बाद में नीतीश कुमार से उनकी तनातनी इतनी बढ़ गई कि 12 फरवरी को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो सदन से नदारद रहीं। हालांकि विश्वास मत के वक्त वो सदन में हाजिर हो गई थी। बीमा भारती इस बात से भी नीतीश कुमार से नाराज हुई कि उनके पति और बेटे को पुलिस ने विश्वास मत की पहले की रात में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को एक बार फिर से पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बनाया है। संतोष कुशवाहा 2 बार से लगातार पूर्णिया का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा 2014 में उस वक्त जीते थे जब जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था, दूसरी बार 2019 में जीते और एक बार फिर से जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया है। फिलहाल पूर्णिया की स्थिति यह है कि वहां फाइट बेहद ही टाइट हो चुकी है और ये फाइट इंडिया गठबंधन में ही है। और अभी एनडीए उम्मीदवार से असल चुनावी मुकाबला तो बाकी ही है।